हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए से स्टार्ट होने वाले, ए लेटर से स्टार्ट होने वाले मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, जो प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो एग्जाम SSC CHSL हो, CGL हो, CPO का एग्जाम हो, MTS का एग्जाम हो, स्टैनो का एग्जाम हो, या फिर IBPS का कोई एग्जाम हो, या कोई ऐसा अन्य एग्जाम जहां पर इंग्लिश कॉम्पिटेटिव इंग्लिश एग्जाम में आती है। ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चले। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है याददाश्त कम होना, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी इसको कहते हैं एमनेशिया। सेकंड है अथेस्ट। अथेस्ट का मींस होता है नास्तिक या अनिश्वरवादी, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। थर्ड है एलियन। एलियन का मींस होता है परदेशी या भिन्न स्वभाव का, जो आपसे मतलब अलग स्वभाव का हो उसको भी एलियन बोला जाता है। तो वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, जो मतलब वहां का नागरिक ना हो और किसी अन्य कंट्री में रहता हो, ठीक है, उसको एलियन बोला जाता है। ऑटोक्रेसी होता है निरंकुश राज्य शासन। निरंकुश राज्य शासन मतलब गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर, मतलब जो बहुत सारी अनलिमिटेड पावर्स रखता है और अपने आप में ही सरकार है, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेट होता है निरंकुश। ऑटोक्रेट होता है ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेट निरंकुश, ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, मतलब जो व्यक्ति किसी दूसरे से कोई सलाह मशवरा नहीं लेता, खुद के द्वारा ही अपने नियम कानून खुद बनाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट यानी कि निरंकुश। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल विधि निपुण या जिसको हम बोलते हैं ज्योतिषी भी बोला जाता है ना, ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, सन मून स्टार्स प्लेनेट्स, मतलब जो ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी देता है, सूर्य चंद्रमा की स्थिति के बारे में बताता है, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। ठीक, नेक्स्ट है आर्सेनल। आर्सेनल होता है हथियार घर या शस्त्र भंडार या आयुध भंडार, जहां पर हथियारों को रखा जाता है, अस्त्र शस्त्रों को रखा जाता है। ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड ऑमुनेशंस स्टोर्ड, मतलब वेपन हथियार और ऑमुनेशंस को स्टोर करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम आर्सेनल। ठीक है, नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है विस्मृति या राजनीतिक अपराधियों का क्षमाधान। ठीक, जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग होते हैं और अपराधी भी होते हैं, उनको क्षमाधान दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी, ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ठीक है, जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर होता है राजदूत या प्रतिनिधि, ए मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग होता है, रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री, मतलब होता है ना एम्बेसी में जो होते हैं भारतीय राजदूत, किसी विदेशी एम्बेसी में अगर आप जाते, किसी विदेश में जाते हैं, तो वहां अगर वहां के नागरिकों के लिए होती है वहां की भारतीय एम्बेसी, भारतीय दूतावास, तो वहां पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। वैसे अगर इंडिया में बात करें तो हर कंट्री का आपको यहां पर एम्बेसडर मिलेगा। ठीक है, एलिगरी होता है रूपक। एलिगरी होता है रूपक, ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस होता है गुमनाम या अज्ञात लेखक। अज्ञात लेखक, ए लेटर और ए डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, मतलब कोई भी लेखक कोई भी लेटर लिखता है या कोई भी चीज ऐसी लिखता है, ठीक है, और उसमें अपना नाम को वो छुपा लेता है, ठीक है, नहीं मेंशन करता, तो वहां पर उसको बोला जाता है एनोनिमस। नेक्स्ट होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होता है रोगाणु रोधक या विषहर। एंटीसेप्टिक, जब भी कोई आपको चोट वगैरह लग जाती है तो वहां पर आप एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल
जरूर करते हैं। ई मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, डिकम्पोजिंग से आपको बचाती है, उसको प्रिवेंट करती है, तो वो उस मेडिसिन को बोलते हैं हम एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट होता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी होता है सिस्टजन या सिस्टजन सत्तात्मक राज्य। क्या होता है? ए गवर्नमेंट रन बाई द नोबिलिटी और द रिच एंड द इलाइट पीपल, मतलब जो अमीर लोगों के द्वारा या सत्ता वाले लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, ठीक है, जो शिष्ट होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट होता है ऑडियंस। ऑडियंस का मीन्स होता है श्रोता, जो सुनने वाले होते हैं, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ठीक है, जैसे रेडियो पे अगर हम कोई भी चीज सुनते हैं तो उसको बोला जाता है ऑडियंस, ठीक, लिसनर्स भी बोला जाता है ऑडियंस। और नेक्स्ट होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मचरित्र वर्णन या फिर आत्मकथा, ए लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, खुद के द्वारा कोई भी कहानी लिखी जाती है खुद की, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। अगर खुद की कहानी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में, ठीक है ना। एवियरी, एवियरी होता है पक्षीशाला, लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, मतलब पक्षियों को रखने के लिए बहुत बड़ा पिंजरा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम एवियरी, जिसको बोलते हैं पक्षीशाला। आपने चिड़ियाघर वगैरह में देखा होगा तो वहां पर बहुत बड़े बड़े पिंजरे टाइप से होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे बड़ा बड़ा हॉल होता है, रूम होता है उस टाइप से, तो वहां पर बहुत सारे पक्षियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम एवियरी। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है शरीर रचना शास्त्र। एनाटॉमी शरीर रचना शास्त्र, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज, एनिमल बॉडीज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज, मतलब जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसका साइंटिफिक स्टडी करना, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एपियरी होता है मधुमक्खी पालन स्थान, जहां पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, प्लेस विद ए नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर कैप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, जहां पर बहुत सारे छत्ते होते हैं, हाइव्स का मीन्स होता है छत्ता, ठीक, मधुमक्खी का छत्ता, और बीज होती है मधुमक्खी, एपियरी होता है उनको रखने का स्थान। नेक्स्ट होता है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया होता है, इसको कहते हैं पीड़ाहर, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, स्टिल टू कॉन्शियस। तो एनाल्जेसिया होता है, मान लीजिए आपको कोई भी पेन है, कोई भी चोट लग जाती है, उसके बाद आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया, यानी कि पीड़ाहर, ठीक। नेक्स्ट होता है एंटीडोट। एंटीडोट होता है विषहर, जो पॉइजन को खत्म करता है, उसके इफेक्ट को खत्म करता है, ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है, ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो भी उस विष का, उस जहर का जो भी प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने वाला है, ठीक है, उसको, उसके इफेक्ट को खत्म करता है, ठीक है ना। तो गाइज ये हो गए हैं आज के 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको, आपके लिए प्लानिंग की है कि जैसे हम रूल तो डेली पढ़ते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ और पीडीएफ के जरिए आपको वो मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ रूल से रिलेटेड, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस पीडीएफ में। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि संडे या वीक में कोई भी एक दिन कम से कम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ईडियम फ्रेज अलग से लेकर चलेंगे, तो हमारा जो सिलेबस है वो एक स्पीड के साथ, एक मेंटेन स्पीड के साथ आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, और इसी प्रोसेस के साथ आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन होती रहेगी। उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जिनकी इंग्लिश लगातार, मतलब इतने लंबे समय से आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और अच्छे से नहीं हो पा रही है, एक अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश से डर लगता है, तो स्टेप टू स्टेप हम ये सब चीजें करने जा रहे हैं और लगातार उस पर प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी जाने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।